हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंज बेंगलोर बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ सकती है। मुसीबत क्या है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं आरसीबी के फैन तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर, एंड अगर आपको ये लगता है कि इस बार आईपीएल 2020 का खिताब आरसीबी जीत पाएगी, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो आइए चलो देखते हो मुसीबत कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आईपीएल 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, और इस बार आईपीएल इंडिया में नहीं बल्कि यूएई में होगा। तो सारी टीमें वहाँ पहुँच चुकी है, सारे प्लेयर वहाँ पहुँच चुके हैं, बट आरसीबी के चार प्लेयर जो नहीं पहुँचे। और चार प्लेयर्स कौन से हैं, जैसा कि अरुण फिंच और फिलिप्स, मोइन अली और एडम जप्पा, ये चार प्लेयर इस साल आरसीबी के लिए खेलने वाले हैं। बट इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चालू होने वाली है, और जो कि सीरीज 16 सितंबर तक चलने वाली है। इसकी वजह से ये चार बहुत बड़े खिलाड़ी पहले मैच को मिस करने वाले हैं। मोइन अली ऑलराउंडर है, आरसीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अरुण फिंच वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चार प्लेयर पहले मैच में आरसीबी मिस करेगी, बट चार प्लेयर्स हैं क्रिस मॉरिस, इसरू उड़ाना और डेल स्टेन, ऐसे बड़े खिलाड़ी जो आरसीबी के लिए पहले मैच खेलते हुए नज़र आएंगे। वो ऑलरेडी यूएई पहुंच चुके हैं। इसरू उड़ाना को हो सकता है बाहर बैठाया जाए, क्योंकि आरसीबी के पास फास्ट बॉलर बहुत है। नवदीप सैनी है, उमेश यादव है, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो फास्ट बॉलर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो इसरू उड़ाना को बाहर बैठा सकते हैं। बट ये चारों की खामी ज़रूर खेलेगी। हो सकता मोइन अली की जगह इसरू उड़ाना को ले जाए, क्योंकि उस इसरू उड़ाना ऑलराउंडर हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है आईपीएल का जो पहला मैच होने वाला है, और आरसीबी की जीतेगी या हारेगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।